हाय, गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात आप सबों का मेरे चैनल पर आज के प्रश्नोत्तर कार्यक्रम में स्वागत है। आज के प्रश्नावली में प्रश्न संख्या एक है, विश्व गौरैया दिवस की शुरुआत कब की गई। प्रश्न संख्या दो, मिशन इंद्रधनुष की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है। प्रश्न संख्या तीन, भारत की पहली मेडिकल सिटी कहाँ स्थापित की गई। प्रश्न संख्या चार, योग महोत्सव 2022 का उद्घाटन किनके द्वारा किया गया। और इस श्रृंखला का पांचवा और अंतिम सवाल है, राहुल बजाज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफ नामक पुस्तक का लेखन किसने किया। अब 21 मार्च 2022 के होली विशेषांक के अंतिम टेम्पलेट के सवालों का जवाब देने का समय आ गया है। उन सवालों में पहला सवाल है, उड़ीसा में होली को किस नाम से मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वह है दोला जाता। सवाल नंबर दो, होली मनाने के पीछे की कहानी किससे संबंधित है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है होलिका और प्रहलाद से। सवाल नंबर तीन, हिरण्यकश्यप के बहन का क्या नाम है। इसका जो सही उत्तर है वह है होलिका। सवाल नंबर चार है, होली का प्रचलित त्योहारी वाक्य क्या है। तो इसका जो उत्तर है वह है, बुरा न मानो होली है। और इस श्रृंखला का अंतिम सवाल है, होलिका दहन दक्षिण भारत में किस नाम से जाना जाता है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है कामा दनहम। और अब अगला वीडियो क्लिप अगलगी के घटना के रोकथाम के लिए जनहित में जारी की गई है, इसे देख और सुनकर अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आम जनों का स्वतः प्रशिक्षण हो और इस घटना को रोकने में सफलता प्राप्त की जा सके। प्रणाम चाची, खाना वाला बना ली का? अरे हमको छोड़ो, तुम इतना जल्दी में काहे हो, कहीं जाना है का? गर्मी का दिन है ना, इसीलिए सुबह 9 बजे जल्दी जल्दी खाना बना लिए हैं। ये सब का बड़बड़ा रही हो? गर्मी का दिन है, 9 बजे तक खाना बना लिए हैं, कोनो भूत उत चढ़ गया का? अरे भूत उत नहीं चाची, कल बगल कटोला में आग लग गया था, बड़ी मुश्किल से काबू पाया गया। वही मुखिया जी बता रहे थे कि घर में आग लगी से बचने के लिए दिन का खाना सुबह 9 बजे तक और रात का खाना शाम 6 बजे के बाद बना लेना चाहिए, क्योंकि पछुआ हवा के समय आग लगने की संभावना सबसे अधिक होती है। भोजन बनाने के बाद चूल्हे के आग को जल्दी से पूरी तरह बुझा देना चाहिए और दिया मोमबत्ती लालटेन को ऐसे जगह रखना चाहिए जहाँ गिरकर आग लगने की संभावना कम से कम हो। अरे मुनिया, इतना तुम कहाँ से जान गई? तुम भी गई थी का? ना ना, हमको तो आग से बड़ा डर लगता है, हम तो एक किताब में अगलगी के बचाव के उपाय ही पढ़ रहे हैं। आग बुझाने के लिए मिट्टी और बालू को बोरे में भरकर और 2-3 बाल्टी पानी घर में जरूर रखना चाहिए। आप जो पूजा पाठ और हवन करती हैं उसको भी सवेरे ही निपटा लीजिएगा। किचन में जाने पर अगर गैस की गंध आ रही हो तो बिजली का स्विच ऑफ ऑन नहीं करना है या गैस लाइटर दिया सलाई नहीं जलाना चाहिए। पहले सभी खिड़कियां दरवाजे खोल दे और रेगुलेटर का नॉब कसकर बंद कर ले, जिससे गैस बाहर निकल जाए और रिसाव बंद हो जाए। गैस का रिसाव नहीं होने की दशा में ही किचन में कुछ करने पर सोचना चाहिए। खाना बनाते समय हमेशा सूती का ही कपड़ा पहनना है और यदि फिर भी आग लग जाए तो 101 नंबर पर फोन कर तुरंत फायर ब्रिगेड को बुला लेना चाहिए। अरे चाची, कहाँ चल दी? चाय तो पीते जाइए। चाय बाद में, हमरे घर का बच्चा सब इतना शैतान है कि पूछो मत। खेत से हरा चना, छिम्मी, भुट्टा ये सब लेके आया है, घरे में पका रहा होगा। हम तो समझ गए, अब उन लोग को भी समझा देते हैं कि आग से खिलवाड़ नहीं, पकाना है तो घर के बाहर हमरे सामने पकाओ। हाँ, क्योंकि जो हर पल सतर्क रहेगा वही अगलगी की दुर्घटना से बचेगा।